हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स, और मैं हूं अंबुज। तो होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बता देता हूं, फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच। तो भाई, इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी कमियाँ हैं। यार, आप वीडियो पूरा देखेगा तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल अभी के लिए आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बाद में इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स। और हाँ, ये वीडियो एक फर्स्ट इंप्रेशन है, बाकी डिटेल रिव्यू भी मैं बाद में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आ चुके हैं हम अपनी डेस्क पे, और डेस्क पे रखी है ये हमारी फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच। तो लिखा हुआ है फायरबोल्ट इनविंसिबल 1.39 35mm AMOLED डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग। और ये कुछ देख सकते हैं हमारे विराट कोहली सर। तो यहाँ पे इसमें लिखा है 8GB की इंटरनल मेमोरी, 100+ इन बिल्ट वॉच फेसेस, 150 स्पोर्ट्स मोड, 454x454 स्क्रीन रेजोल्यूशन। और जो वेरिएंट मेरे पास है वो है सिल्वर कलर का। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है हमारे पास। और किनारे भी अगर मैं बॉक्स का दिखा दूँ तो जो इसके अंदर फीचर्स हैं, लाइक SPO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, 150 स्मार्ट मोड और वॉइस असिस्टेंट वगैरह सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और राइट हैंड साइड पे भी IP67, वाटर रेजिस्टेंस, 15 डेज स्टैंड बाय, TWS कनेक्टिविटी एंड 110+ वॉच फेसेस। तो भाई, यहाँ था लिखा था जो 100 इन बिल्ट वॉच फेसेस, 110+ वॉच फेसेस, तो आई थिंक ये ऐप के थ्रू मिलेंगे आपको। और यहाँ पे इसके जो मेन फीचर्स हैं, बैक पे फिर से लिख दिए हैं ब्लूटूथ कॉलिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, रिमोट कैमरा, 1500+ सॉन्ग्स, मेडिटेटिव ब्रीथिंग, वेदर अपडेट्स, 1.39 AMOLED डिस्प्ले, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, आराम। भैया मतलब फीचर्स तो आपको भर भर के इसमें मिलने वाले हैं। और मेन फीचर्स आप पॉज करके कुछ पढ़ सकते हैं, बाकी ये इसके जो मेन फीचर्स हैं लिखे हुए हैं। और यहाँ नीचे दिया है QR कोड, जिससे कि हम लोग अपनी फिटनेस और ऐप ट्रैकिंग दुनिया भर का इस ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो फिलहाल बॉक्स कुछ ऐसा है, और नीचे से आई थिंक अनबॉक्स होगा। यहाँ पे कुछ इसकी प्राइसिंग वगैरह लिखी है, 15,999, लगभग 16,000 रुपये की है, बट ये लिखा हुआ है। फिलहाल जो प्राइस ऑफर में आता है वो 6,000 की होती है, वरना ये 7,500 की आराम से मिल जाती है। अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिलहाल बहुत देरी हो गई इंट्रोडक्शन में ही। तो वाइट कलर का बॉक्स लिखा रहता है, इस पर फायरबोल्ट का लोगो बना हुआ है, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसको अगर खोलें हम, तो ये हमारी फिज़िकल वॉच रखी हुई है। तो इसको अगर हम निकालें तो और बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और वाकई में यार, बॉक्सिंग जो की गई है इसकी, बहुत अच्छी की गई है, और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हमें मिलता है। ये वॉच है, तो वॉच को फ़िलहाल हम लोग निकाल देते हैं अभी के लिए, वॉच की तरफ बाद में आएंगे, पहले बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है वो सब देख लेते हैं। ओ, अटक गई। तो ये है भाई बॉक्स, और किनारे के साइड देखें तो हमें एक चार्जिंग के लिए कुछ मिल जाता है, और कुछ बॉक्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको अलग अलग कर लें। तो ओ भाई, वो बचपन में मुझे ABCD वाला बॉक्स ध्यान आ गया, ऐसे ही आता था, पजल्स जो आती थी ऐसे ही जुड़ती थी। एंड यहाँ पे चार्जिंग वाला हमारा सेक्शन है, फिलहाल मैं इसको अलग ही कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये चार्जिंग वाला हमारा सेक्शन है। यार बॉक्स कितना यूनिकली पैक्ड है, मैं ये देख रहा हूँ उतनी देर से। मैग्नेटिक USB केबल इसके अंदर भी सब सेक्शन की तरह एक पैक्ड है। तो नॉर्मल टाइप ए केबल है, खींच दी मैंने बट ये है केबल, फिलहाल काफ़ी अच्छे से पैक थी ये। तो ये भाई हमारी केबल है, आई थिंक ये USB मैग्नेटिक केबल है, जी हाँ। तो इससे आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इस वॉच को कंप्यूटर में, या फिर और किसी डिवाइस में, लाइक मोबाइल में लगा के थ्रू। तो इसको फिलहाल सेक्शन को रखते हैं साइड में, और इस सेक्शन में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं आई थिंक। ओ, तो विराट कोहली साहब हमारे पहले हैं, सर विराट कोहली, एंड लिखा है वी आर ऑनर्ड, और ये भी विराट कोहली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द एक्सक्लूसिव बोल्ड प्ले ऐप मेम्बरशिप। भाई देखेंगे क्या होगा बाद में, मतलब डॉक्यूमेंटेशंस भी कितना अच्छा लग रहा है अनबॉक्स करते टाइम।
फायरबोल्ट, फॉलो द ऑफिशियल फायरबोल्ट ऐप। तो ये गाना का सब्सक्रिप्शन एक हमें और मिल जाता है इसके साथ, वाह इसकी बहुत ज़रूरत थी। Z5 का भी सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाता है इसके साथ, वाह यार, मतलब डॉक्यूमेंटेशंस। और ये फाइनली हमारी एक प्यारी सी बुकलेट, और भाई इतना टाइम किसके पास है पढ़ने के लिए, बट प्रिंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्यूट सी बुकलेट है, इसको फ़िलहाल रख देते हैं सबको साइड में। और काफ़ी अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहा। तो ये था फ़िलहाल कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो कि काफ़ी अच्छे से पैक थे। अब आ जाते हैं अपनी फिज़िकल वॉच की तरफ। तो ये है हमारी फिज़िकल वॉच, और ये है उसका स्ट्रैप, मतलब स्ट्रैप लगा हुआ आता है बॉक्स के साथ। तो फ़िलहाल अब ये तो खड़ी रहा है, हाँ तो इसको निकाल दिया मैंने। ये स्टिकर पील ऑफ करते ही हमारी जो वॉच है, और डिस्प्ले हमारा एमोलेड है तो बड़ा ही प्यारा दिखेगा। ये है हमारी वॉच, और पीछे के साइड कुछ सेंसर्स और मैग्नेटिक यूएसबी केबल्स, और फायर बोल्ट लिखा है, फायर बोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच, एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग। और फायर बोल्ट का यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो बटन के ऊपर एक छोटा सा लोगो बना हुआ है, और ब्लू कलर का एक यूनिक सा बटन बना हुआ है। वॉच को स्विच ऑन करने का, तो स्विच ऑन करने के लिए सिंपली मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा और स्विच ऑन हो जाएगी। तो फायर बोल्ट का लोगो आ गया और एक वाइब्रेशन आई है, तो ये करंट टाइम दिखा रहा है मेरा 1:24। और ये सब जो इसके फीचर्स हैं तो आपने देखा, और ऊपर से अगर मैं कुछ करूं तो ये QR कोड, इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉच, ब्लूटूथ में भी इसमें तीन मोड हैं, फ़ोन मोड, लोकल मोड, TWS मोड। तो सेटिंग्स की तरफ अगर चलें तो यार डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी काफ़ी सारी क्लॉक स्टाइल्स, आइडल क्लॉक, स्क्रीन ऑफ, ऑलवेज ऑन, काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं। सेट टाइम में कोई इससे आई थिंक नहीं सेट टाइम करेगा, अगर किसी को टाइम नहीं सेट करना है तो वो ब्लूटूथ के थ्रू करेगा। सॉरी थोड़ा फोकस लूज हो गया। वाइब्रेशन स्ट्रेंथ दी हुई है, ब्राइटनेस दी हुई है, यार ब्राइटनेस तो अभी एकदम लो पे है, मैं फुल ब्राइटनेस कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे का ISO से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको लो ही कर देता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। तो फिलहाल ब्राइटनेस है, यहाँ पे व्यू मोड है, व्यू मोड में मतलब सेलुलर लिस्ट और लिस्ट टू, तो और ग्रिड भी है, तो इसने शायद यही होगा कि कैसे आप अपने ये मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज चाइनीज़, हिंदी, इंग्लिश, जो आपको मन करे वो लगाइए। डिस्टर्ब भाई क्या है वो, तो मेरी समझ से नोटिफिकेशन सारे ब्लॉक कर देगा। पावर सेव है, USB मोड भी है, USB मोड में मतलब आप कैसे इस वॉच को रखना चाह रहे हैं, चार्जिंग पे या फिर मास स्टोरेज पे USB कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। और देखते हैं अबाउट दी वॉच है, जो कि मैंने ऊपर दिखाया, शट डाउन है, रीबूट है और रीसेट है। फिलहाल इतने ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, काफ़ी हैं यूज़ करने के लिए एक यूज़र के लिए। और एप्लीकेशंस आपको दिखा दूँ इसके, तो एप्लीकेशंस में हमें स्टेप काउंटर, स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, इतने मोड्स मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में देखें भाई तो रनिंग, हाइकिंग, राइडिंग, बास्केटबॉल, स्किपिंग, और ये भाई कितने सारे मोड हैं, रात हो जाएगी अगर वीडियो बनाता रहा। तो फिलहाल एक इसमें 150 स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में देखें तो अभी कोई हिस्ट्री नहीं, क्योंकि मैंने कोई स्पोर्ट्स खेला ही नहीं। रीसेंट्स में मतलब जो भी आपके मोबाइल पे रीसेंट्स करेंगे, हाँ तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद चलेगा। ब्रीथ मॉनिटरिंग, आई थिंक ब्रीथ आपको मेडिटेशन के लिए कराने के लिए। वेदर देख लें तो वेदर फोरकास्टिंग भी भाई कर देता है भाई, 46 डिग्री कितना एक्यूरेट है ये तो मुझे भी नहीं पता, 46 डिग्री होता तो सब उबलने लगते हैं। बट ये सब मैसेजेस वगैरह अभी कोई मैसेज नहीं आया। फ्लैश लाइट, ओ तो ये स्क्रीन को ही फ्लैश लाइट में कन्वर्ट कर देता है, डिसेंट है फिलहाल, ठीक ही है। फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर भी मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है, अगर कुछ भी कैलकुलेशंस करनी हो तो ऑन द गो हो जाएगी, बढ़िया। अलार्म क्लॉक भी सेट कर सकते हैं आप। AI वॉइस, तो असिस्टेंट वॉइस है ये, आपके मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ पेयर होकर चलेगी। स्टॉप वॉच है, टाइमर है, वही सब चीज़ें जो एक हमें वॉच में मिल जाती हैं। रिकॉर्डर भी है,
रिकॉर्डर नीड्स टू कनेक्ट ब्लूटूथ एंड स्टॉप म्यूजिक। ओके, तो ये जब ब्लूटूथ से डिसकनेक्ट रहेगा तभी काम करेगा आपका, क्योंकि वॉच में भी इसमें माइक्रोफोन दिया है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और स्पीकर भी दिया है। स्पीकर का ग्रिल कुछ ऊपर की साइड है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल, और फिर बाद में कैमरा है, कैमरा प्लीज़ कनेक्ट टू ऐप, तो ऐप से चलेगा। और फिलहाल सेटिंग्स हैं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए। तो ये है इस वॉच के सारे फीचर्स आपने देखा। तो चलिए, टेस्ट तो मैं बाद में करूँगा, फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन ही बताऊँ। डिस्प्ले आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और ये इसका जो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है। इसमें भी आपको 12 वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है। प्लस इसके जो वॉच फेसेस हैं वो भी आप ऐप के थ्रू या फिर इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रॉल व्हील पर कितने सारे वॉच फेसेस हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। और बात करें इसके प्रॉज एंड कॉन्स की, तो यार इसमें कुछ फीचर्स मुझे एकदम यूज़लेस लगे, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको एक एक करके चलिए बताता ही हूँ। क्या है कि 8GB के इंटरनल स्टोरेज दुनिया भर का, मतलब मैं 8GB की इंटरनल स्टोरेज में गाने मैं इसमें सुनूंगा, और इसमें भाई म्यूज़िक का जो मेरा सिस्टम है वो मैं आपको दिखाऊं अगर तो। लोकल मोड पे पहले इसको करना पड़ेगा, और इसमें आपको एक एक गाना मतलब ऐसे ऐसे सर्च करना पड़ेगा। प्लस इसमें जो फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन होता है कि 10 सेकंड आगे चले गए, तो वो ऐसा इसमें कुछ दिखता नहीं है। भाई कॉन्टैक्ट्स के साथ मुझे एक डिमेरिट लगा कि कॉन्टैक्ट्स भाई 1500 मुझे स्क्रॉल करने पड़े, मतलब मेरे फ़ोन में ही होंगे 500 कॉन्टैक्ट्स लगभग, उसमें से स्क्रॉल करूँगा मैं, मतलब किसी को अगर कॉल लगानी है यार। तो ये मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल फीचर लगा। एक्चुअल सेंसर्स की बात कर लें तो सेंसर्स यार इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, पता नहीं क्यों। 7500 की घड़ी है ये, बट इसके सेंसर से मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। आप देख सकते हैं, अब मैंने 8 कदम चलाए नीचे जबकि मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ उतनी देर से, मतलब पेडोमीटर मेरी समझ से एक्चुअल पेडोमीटर नहीं है। मैं इस वॉच को ऐसे से, ये देखिए, मैंने इसको केवल अप डाउन कर दिया, और इसमें 16 स्टेप्स आ गए। तो ये एक्चुअल सेंसर नहीं है, मैंने आपके सामने दिखाया। हार्ट रेट भी नापता है, बट इसको मैंने फेक करने की कोशिश की कि भाई बेड पे रख के मैंने थपथपा दिया और तब भी हार्ट रेट ले रहा है, तो ये सेंसर भी थोड़ा हॉट लगा मुझे। बाकी वेदर फोरकास्टिंग आप देख सकते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो लखनऊ का टेम्परेचर लगभग 40 से भी नीचे है, और ये 46 बता रहा है, तो आप जान ही गए होंगे कि कितने फिक्स सेंसर्स वगैरह हैं। बाकी अगर वॉच ओवरऑल प्रॉज की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो एक ही प्रॉन लगा मुझे, डिस्प्ले बहुत अच्छा है ये, इसका एक अच्छा प्रॉज है। आपको अगर डिस्प्ले बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, कलाई पे भी ये काफ़ी बेस्ट फिट दे रही है, मेरे पे सूट कर रही है, बट यही डिसअपॉइंटिंग फीचर्स मुझे कुछ नहीं लगे अच्छे। और स्ट्रैप बस इसका लोकल सा है, मतलब हाथों पे रैशेस भी आ सकते हैं जिनको पहनने की आदत नहीं है। तो यार इतनी 7500 की कोई घड़ी ले और उसमें मतलब सेंसर्स भी नहीं है एक्चुअली, क्या मतलब फायर बोल्ट ने किया है, आई डोंट नो। तो फिलहाल ये था मेरा आज का फर्स्ट इंप्रेशंस एंड रिव्यू, बाकी डिटेल्ड रिव्यू भी मैं आपको बाद में देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो भाई इस कंक्लूजन में वैसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक वॉच है, आप प्लीज़ इसके लिए कभी पैसा ना बर्बाद करिए। अगर आपको स्मार्ट वॉच ही चाहिए तो एक लॉजिकल स्मार्ट वॉच खरीदिए जिसमें एक एक्चुअल सेंसर्स वगैरह हो, भले ही कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा चली जाए, बट यार इसमें मुझे कोई भी मतलब फीचर ज़्यादा समझ में नहीं आया, बस डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और अगर आप को कॉन्टैक्ट्स और ये सब, मेरी समझ से आप वॉच से इतना काम करेंगे नहीं, इतना काम आपका फ़ोन में चल जाएगा। और इसमें बाकी कनेक्टिविटी के लिए जो एप्लीकेशन है इसका, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फिट विनर एप्लीकेशन है, मतलब एकदम चाइनीज़ है, जो आपको वॉच के फीचर्स मिलेंगे बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। और अल्टरनेटली आप फायर बोल्ट इनविंसिबल एप्लीकेशन भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इतना मुझे मतलब इफ़ेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि सेम एज अ क्लोन है दोनों का, और दोनों ही सेम फंक्शनैलिटी, दोनों ही सेम वर्क, पता नहीं मतलब फायरबोल्ट ने क्या किया है इस बार, ना बकवास है प्रोडक्ट, मुझे एकदम नहीं समझ में आया। अगर मुझे 5 स्टार में से इसको रेटिंग देना चाहूँगा तो 2 ही रेटिंग दूंगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको क्या पसंद आया इस वॉच में वो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच की पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल द टेक्नोक्रेटिक सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल वाला बटन दिया होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।